नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे नए ब्लॉग में, नई सुबह की पहली किरण के साथ। तो दोस्तों, चाय पी ली है और गरिमा ने झाड़ू लगा लिया घर में, और अब मैं क्या करूंगा, ताजा पानी ले आता हूं धारे से। तो दोस्तों, सुबह सुबह धारे का ताजा पानी, आनंद आ जाएगा। आप भी चलो और आपको भी घुमा लाते हैं। ये जो अभी आप ये सीन देख रहे हो ना दोस्तों, मीठी मीठी धूप और ये मौसम इस समय, तो इतना आनंद आ जाता क्या होता। और जब भी ना हम लोग मतलब दिल्ली और जब भी जो भी शहरों में हम होते हैं, दिल्ली, मुंबई, चंडीगढ़ और लखनऊ, जहाँ भी, तो जब भी हम गांव को याद करते हैं ना, ऐसे ही याद करते हैं कि वो दीवार पे धूप पड़ रही होगी और इस तरीके से ऐसा मौसम हो रहा होगा ये। तो मैं एग्जैक्टली ऐसे ही याद करता हूँ अपने गांव को, तो बड़ा अच्छा लगता है। और जब आप याद करते हो और जब आप गांव में होते हो, तो उस समय फील करना चाहिए कि हम जब दूर होते हैं गाँव से, तो गाँव की कैसी चीज़ें, क्या क्या चीज़ें याद करते हैं, तो और मज़ा आता है। तो दोस्तों, रोड पर पहुँच गया हूँ मैं, और देखो हमारा जो घर है वो रोड से कितना नज़दीक है। ये यहाँ पर रोड है और यहाँ पर घर है, तो अब काफ़ी हो गया है। पहले तो रोड थी ही नहीं, रोड आने के बाद यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है। और सबसे बड़ी बात बताऊँ, हमारे यहाँ सरकारी पानी भी आता है बहुत ही फोर्स में, और अगर हम शहरों की तुलना करें तो वो सरकारी पानी ही बहुत साफ़ है। हमारे यहाँ पहाड़ का ही पानी है, लेकिन उसके बावजूद हम धारे का पानी लाते हैं, तो यानी कि वो सुपर सुपर शुद्ध हो गया, सुपर शुद्ध। पहले एक्चुअली ये रास्ता था, तो रोड आने के बाद जो है ये रास्ता बंद हो गया और यहाँ से शॉर्ट भी बना दिया, अलग अलग रास्ते हैं। तो दोस्तों, हमारे गांव में जो है ऐसे घर हो गए हैं, देख के बहुत ही बुरा लगता है। एक समय था यहाँ इतनी चहल पहल होती थी इस घर में, और दीपावली में यहाँ ना इस चबूतरे पर सब लोग बैठते थे, हमारे गाँव के लोग, और यहाँ पूरी चहल पहल हुई रहती। आज देखो घर कैसा हो गया, इतनी अच्छे अच्छे डिजाइन वाले घर हैं लेकिन फिर भी छूटे हुए हैं, और जबकि नीचे रोड है यहीं पे, तो लोग अब आते नहीं हैं। और आई होप कि आने वाले टाइम में लोग आए हैं अपने घर को ठीक करें। तो दोस्तों, इस घर के बाद देखो, इस घर में भी काफ़ी चहल पहल होती थी, और ये भी जो है ये हालत हो गई है, ये भी बंजर हो गया है। और यहाँ हमारे बगल में एक चचा रहते हैं, तो हम आ गए हैं ऊपर, और ऊपर में अभी केवल एक ही परिवार रहते हैं हमारे चचा लोग। ये वो सामने देखो, और वो सामने है धारा, वो वहाँ, ये है घर। तो दोस्तों, ये चल रहा है, ये बच्चों को डांट रहे हैं वो स्कूल जाने के लिए। ओ चचा, नमस्कार, बढ़िया। और बच्चे जा रहे हैं स्कूल, नहीं जा रहे हैं? बच्चों स्कूल है आज, तैयार जाओ फटाफट। ये देखो, हेलो बेटे, क्या हाल है? ये आ गई छुटकी स्कूल को, स्कूल होगा आज बच्चों का? चलो आ गई छुटकी, आ गई, ओए ओए स्कूल जा रही। अच्छा, कितने बजे से है स्कूल? पहले से दोस्तों पता ही नहीं चलता था कि कितनी एक्सरसाइज हम डेली कर चुके हैं। कम से कम एक दिन में 5-7 बार तो हम पानी लेने आते थे धारा, तो अपने आप ही एक्सरसाइज हो जाती थी, है ना। ये हम पहुंचने वाले हैं धारा, अब कैसा हो गया यहाँ पर देखो, ये कितनी गंदी वाली घास उगाई है ये, क्योंकि सब कुछ छूट गया है। इस घर में एक दादाजी रहते थे, और वो दादाजी जब भी हम पानी भरने आते थे, हमें केले खिलाते थे और हमें पुरानी बातें बताते थे, गप्पे मारते थे हमारे साथ। तो दोस्तों, गाँव में जब भी आओ आलस्य मत करो, जो भी इच्छाएं शहरों में होती है ना, गांव जाते ये करते वो कर दो। तो मैं आते ही सबसे पहले पानी पीऊंगा धारे का। ओए होए, पता है गर्म हो रहा है, इस समय यहाँ पर नहा भी सकते हैं, ये पानी गुनगुना आ रहा है। आपको ठंड लग रही होगी देख के, लेकिन ये गुनगुना आ रहा है। आ हा हा, आनंद आ गया दोस्तों, आप लोग भी फील कर सकते हो चीज़ें। तो दोस्तों, पहुंच गया हूँ घर पानी लेके, और गरिमा कर रही है, दरी धो रही है और बर्तन।
रसोई की दरी और बर्तन। और आज हम सबसे पहले अपना आंगन साफ करेंगे। आंगन हो रहा है गंदा, तो आप पहले देख सकते हो कैसा हो रहा है ये। तो देखो गाइस कितना गंदा हो गया आंगन। तो गाइस भूभी भी उठ गई, आज लेट उठी है क्योंकि कल भूभी जो थी बहुत ही दिन भर हमारे साथ उसमें थी ट्रैवल में, है मंदिर में बहुत चली। नहीं पोर्शन में इतना कूड़ा इतना। और देखो साफ करके कितना अच्छा लग रहा है, पूरा साफ करके कितना अच्छा लगेगा ना। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका शेखर जोशी व्लॉग्स में। और हमारी सुबह बहुत स्वीट बहुत अच्छी हो रही है। मैंने नहा धो लिया है, अब मैं कर रही हूँ पूजा और हम जलाएंगे दिया। तो दोस्तों आप देख सकते हो कि सफाई कहाँ तक पहुँच गई है और कैसा लग रहा है अब आंगन, कैसा लग रहा है देखो। और अभी जो है हमें भूवी और गरिमा ने भी जो है हमारा जो है यहाँ हमारे कंपनी देनी शुरू कर दी है। और बढ़िया हमने पुराने गाने लगाए हैं खिड़की में, ये अपने फेवरेट मैं भी मेरा लगा। तो इतना भी और रह गया है दोस्तों, थोड़ा ही रह गया, इन्होंने कर दिया है लगभग। हाँ। तो मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा सा मैं भी हाथ बटा दूँ। बिल्कुल, खाना मैंने बना दिया है। तो गरिमा ने खाना बना दिया है। हाँ। और अब थोड़ा बहुत सफाई ये भी कर रही है, तो जब पूरा साफ हो जाएगा तब आपको दिखाएंगे। तो हम सफाई कर रहे हैं और सफाई में हमने गाने लगाए थे। गाने में ना बीच में अनस्केपेबल वो स्केपेबल वाला ऐड आ गया, वो ऐड भी इतने लंबे लंबे आते हैं 10-10 मिनट के, वो भी झेलना पड़ रहा है। अब ऊपर कौन जाए, उसको स्किप कौन करे क्योंकि यहाँ पर मन लगा हुआ है सफाई में, ऐसा भी होता है। आ गया आपका ना। आ गया आ गया आ गया। तो दोस्तों बहुत आनंद आ रहा है, बहुत आनंद। तो दोस्तों फाइनली सफाई हो चुकी है आंगन की। तो हमने लगभग एक डलिया घास नीचे फेंक दी है यहाँ जो जमी हुई थी, तो इतना यहाँ पे इन्होंने साफ कर दिया है सारा। इसमें लगे 3-4 घंटे लग गए इसमें टोटल, 3-3.5 घंटे लग गया है लगातार। और आप देखो दोस्तों कितना अच्छा लग रहा है। तो अब आप देखिए हमारा आंगन कितना अच्छा लग रहा है। तो दोस्तों फाइनली सारा आंगन जो है कंप्लीट कर दिया देखो। अब देखो दोस्तों कितना अच्छा लग रहा है, और पहले कितना गंदा लग रहा था। तो अब जो है सुकून मिल रहा है कि यार हाँ यहाँ आकर के कुछ काम किया। और देखते हैं गरिमा क्या कर रही है। ये गरिमा कर रही है यहाँ की सफाई, आराम से करना बैठ बैठ के। मैं यहाँ की कर रही हूँ, मतलब उतनी डीप सफाई तो नहीं कर रही हूँ मैं, लेकिन कर रही हूँ, थोड़ा साफ अच्छा लगेगा। इतना कफाड़ हो रहा है दोस्तों यहाँ ये। तो दोस्तों 2-3 घंटा लगा करके सफाई करके नहा लिया है, अब मैं पी रहा हूँ धारे का पानी। ठंडा ठंडा कूल। पापा। ये क्या बात है, भूभी ने हमारे लिए संतरा छील दिया है। दो ले लो। ओए होए होए। मम्मी को भी आगे देता हूँ। ठीक है। थोड़ा मम्मी के लिए, मम्मी को भी दूंगा। मम्मी को भी देगा? ठीक है। तो दोस्तों हो गई है शाम और हम कहाँ जा रहे हैं, मंदिर। तो हम जा रहे हैं शाम, हम जा रहे हैं कालिका थान। हो गई है शाम, हम जा रहे हैं कालिका थान। हो गई है सब, हम जा रहे कालिका थान। ये नहीं करना, नहीं हम लेट हो रहे हैं। ये दौड़ भी जाती है, ये कितना अच्छा लग रहा है ना यहाँ को देखो। इस समय का सीन देखो कितना अच्छा लग रहा है, बहुत ही ज्यादा प्यारा। ठंडी ठंडी हवा चल रही है, मुझे तो यार मैं बताऊँ बार बार फिर वही बात कहता हूँ, बचपन के दिन याद आ जाते हैं। जब हम मैं अभी भी सोच रहा था, जैसे अब हम मम्मी पापा हो गए ना, तो जब हम छोटे थे तो फटाफट स्कूल से आके 3:30-4 बजे घर पहुंच जाते थे, और बस बस्ता फेंका, पानी लाए, और काम तो खैर करते थे उन दिनों, बहुत काम होता था, और फटाफट बस अपने मम्मी पापा को बोला हम जा रहे हैं, इजा बाबू को हम जा रहे हैं, अब बस खेल करने चले जाते थे। और इस समय फिर हम मंदिर में बैठते थे, सारे दोस्त सारे फ्रेंड्स मंदिर में बैठते थे अपने, जो जिस मंदिर में जा रहे हैं। और वहाँ पे
और उस मंदिर में हम मतलब लड़कों की लगती थी वहाँ पर बिल्कुल एकदम मंडली, खूब हंसी मजाक चुटकुले एक दूसरे की खिंचाई, बड़ा मजा आता था। और गांव के सारे लड़के उसी मंदिर में रहते थे। ये मंदिरों का तो ऐसा है ना, इसको बहुत ही शौक है। तो दोस्तों पहुंच गए हैं अपने माता के मंदिर, आप सबकी तरफ से जय माता दी। तो आज हमारी भूवी ना पूरे पैदल चली है, पूरा पैदल। ये चलो चलो चलो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, भले ही ऐसे जाएगी वो ये, लेकिन गोद में नहीं जाएगी। तो दोस्तों घर पहुंचते ही जो है आज हम चाय भी नहीं पियेंगे, काढ़ा भी नहीं पियेंगे, सबसे पहले करेंगे हनुमान चालीसा। जय हनुमान ज्ञान गुण सार, जय कपीस दिहु लोक उजागर। तो यहाँ पे गडेरे की सब्जी बन रही है और वो उसी के घुटने पे ना सिर लगा के पढ़ रही है, ऐसे होते हैं स्टूडेंट। मैं भी पता है अपनी मम्मी के साथ ऐसी पढ़ती थी, किचन में घुस जाती थी और पता है मेरी मम्मी कैसे भगाती थी, क्या कह के भगाती थी बताओ, कि तुझे तेरे को विद्या नहीं आएगी अगर तू किचन में पढ़ेगी तो। हाँ तो ऐसा पहले से कहते थे जो झूठे में नहीं पढ़ते करके। तो दोस्तों गडेरी की सब्जी बन गई है और आ गई है और अब हम कर रहे हैं खाना शुरू। भूवी देख रही, भूवी ने खाना खा लिया, भूवी देख रही है शिव शक्ति। तो हम सब ऐसे देख रहे हैं जैसे घर में हम पहले से टीवी देखा करते थे और आप शाम को भक्ति वाला प्रोग्राम देखा करते थे। तो दोस्तों मैं इसी के साथ ब्लॉग को करता हूँ एंड। तो दोस्तों मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड नाइट, शुभरात्रि, नमस्कार, जय देवभूमि, जय उत्तराखंड, जय गुरुदेव, बाय बाय।